بسم الله الرحمن الرحيم। ये वीडियो के जरिए हम किसी का दिल या किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। हम तो बस इतनी कोशिश करते हैं कि हर इंसान को हकीकत का पता चले। ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए सही या गलत। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मोहतरम सामाइन, सूरते आले इमरान की आयत पर दीन इस्लाम और मारफत इमाम के मौजू पर आज ये हमारी छठी नशस्त है। इरशाद खुदावंदी है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है, और अहले किताब ने उस वक्त इख्तलाफ़ किया जब उनके पास खुली दलीलें आईं, और जिसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की मेरी गुफ्तगू यहाँ से शुरू होती है। मैंने अर्ज़ किया था रात और आज मेरी यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है। मैंने अर्ज़ किया था रात के अल्फाज जो हैं कुरान में सूरत तौबा में या सूरत सफ़ में, वो ये हैं कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वद्दीन अलहक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ही वलौ करहल मुशरिकून। अल्लाह वो है जिसने रसूल को दीन हक के साथ भेजा ताकि वो दीन हक तमाम अदियान पर गालिब आ जाए, चाहे ये बात मुशरिकीन को नागवार क्यों न गुज़रे। उसी सूरत की पहली आयत मैंने पढ़ी थी कि इरशाद खुदाबंदी है युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाह मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफ़िरून। वो इरादा करते हैं कि दीन इलाही को ख़त्म करें। मैंने रात इसकी तशरीह की थी, सिर्फ वो जुमला रिपीट करके आगे चलना चाहता हूँ कि वो इरादा करते हैं कि अल्लाह के दीन को ख़त्म करें, लेकिन अल्लाह चाहता है कि मैं इसको मुकम्मल करूँगा, तमाम करूँगा, और चाहे ये बात काफिरों को नागवार क्यों न गुज़रे। यहाँ कामिल होने का लफ्ज़ है, मुतिम है कि वो बिल्कुल तमाम हो जाए, वहाँ था तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। लेकिन दोनों आयतें मौजूद हैं, इतलाक अभी तक नहीं हुआ। यानी 1400 बरस पहले अल्लाह ने कहा था कि ये दीन इस्लाम वो है जो बिल्कुल तमाम होगा और तमाम अदियान पर गालिब आ जाएगा, लेकिन आज तक ये दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब नहीं आया। आयतें मौजूद हैं, इतलाक नहीं हुआ। तो अब दोनों बातों में से एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी, या कुरान से हाथ उठाओ तो भाई अल्लाह ने तो 1400 बरस पहले कहा था कि ये दीन इस्लाम वो है जो तमाम अदियान पर गालब आ जाएगा, लेकिन 1400 बरस गुजरने के बाद भी ये दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालब नहीं आ सका। तो या कुरान से हाथ उठाओ या मानो का आयत मौजूद है लेकिन अभी इसका इतलाक नहीं हुआ, तो वो ज़रूर होगा, और अब ज़रूर होगा तो वो कैसे होगा। अब जब होगा तो वो कैसे होगा, अब आइए मैं आयत पढ़ूंगा, शायद आप शियों के बच्चे बच्चे को ये वाक़ा भी याद हो और ये आयत भी याद हो कि सूरत माईदह में अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतह। ए रसूल,
पहुंचा दे वो जो तेरे रब की तरफ से नाजिल किया गया, और अगर तुमने नहीं पहुंचाया तो दीन का कोई काम नहीं किया, रिसालत का कोई काम नहीं किया। अब जुमलों को देखें, जुमले ये हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल, ए रसूल। और जुमलों में शिद्दत तो देखो कि कितनी शिद्दत है कि ए मेरे रसूल, पहुंचा दे वो चीज़ जो तेरे रब ने तेरे ऊपर नाजिल की, और अगर तुमने वो नहीं पहुंचाई तो तुमने रिसालत का कोई काम नहीं किया। ये अंदाज़ मुख्तलफ पूरे कुरान में, वही अल्लाह, वही रसूल, वही अल्लाह जो कभी अपने हबीब को ताहा कहता है, कभी यासीन कहकर पुकारता है, कभी या अल-मुज़म्मिल कहता है, कभी या अल-मुदस्सिर कहता है, पूरे कुरान में या मोहम्मद करके नहीं पुकारा, वो आज इतनी शिद्दत से कह रहा है ए रसूल। न ताहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, न यासीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, न महबूबियत का जुमला इस्तेमाल किया, ए रसूल बल्लिग़, इब्लिग़ नहीं कहा। अब इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सारे पढ़े लिखे हजरात हैं और मेरी गुफ्तगू से साथ साथ आ रहे हैं, होना चाहिए था इब्लिग, पहुंचा दो। ये बल्लिग क्यों कहा? इब्लिग में और बल्लिग में फ़र्क क्या है? इब्लिग में ये फ़र्क है, आपने मुझे कह दिया कि अब्दुल हकीम जब हैदराबाद जाएं तो फलां आदमी को ये पैगाम देना। अब ठीक है, मैंने कहा रात हो गई है या दिन गर्म है, कल पहुंचा दूंगा। तो अगर इब्लिग का लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता तो ये ज़रूरत न थी। ठीक है भाई, यहीं नहीं पहुंचूंगा, जब मदीने पहुंचेंगे ना तो फिर मैं पहुंचा दूंगा, इसीलिए लफ्ज़ इब्लिग नहीं आया, बल्लिग आया, अभी पहुंचा, अभी पहुंचा। अभी पहुंचा, अभी 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 पहुंचा, अभी पहुंचा। ये न देखा कि दिन गर्म है या सर्द है, मौसम को नहीं देखा, वक्त को नहीं देखा, अभी पहुंचा, अभी पहुंचा। और फिर क्या फरमाया? वह इल्लम तफअल, होना चाहिए था इफअल। वही फर्क है जो बल्लग में और इब्लिग में फ़र्क है। ठीक है, आज ये प्रैक्टिकली करके न दिखा, ऐलान यहाँ कर, दिखाना जाकर मदीने में, तवज्जह चाह रहा हूँ भाई, ऐलान यहाँ कर, इसको दिखाना जाकर मदीने में। कहा नहीं, वह इल्लम तफ़ल, दिखाना भी यहाँ है, दिखाना भी यहाँ है। फमा बल्लग रिसालत, और अगर तुमने यहाँ ऐलान भी नहीं किया और दिखाया भी नहीं तो तुमने कोई रसालत का काम नहीं किया। वल्लाहु यस्मुक मिनन्नास, और मैं अल्लाह तुझे इंसानों के शर से बचाऊंगा। मैं कहता हूँ अल्लाह की अजमत की कसम, अगर आज ये मैं समझा सका तमाम मुसलमान भाइयों को तो बड़ा मेरे लिए बायस फख्र होगा कि अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यस्मुक मिनन्नास, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा। इनल्लाह ला यहदिल कौमल काफरीन, मैं अल्लाह काफरों को हिदायत नहीं करता। पहले तो तमाम मुसलमानों के फिरके मुत्तफिक हैं कि ये आयत गदीर में नाजुल हुई, और गदीर वो जहाँ कोई बस्ती नहीं थी, कोई गांव नहीं था, सारे के सारे हाजी थे। इस कायनात ने बड़े बड़े मजमे देखे, करोड़ों की तादाद में मजमे देखे, लेकिन कायनात ने ऐसा मजमा कभी नहीं देखा जिसमें सारे मुसलमान हों, सारे हाजी हों, सारे सहाबी हों। ये वाहिद कायनात का मजमा था
जिसमें सारे सहाबी थे, सारे हाजी थे और सारे मुसलमान थे। अब मुसलमान मुझे समझाएं मैं कहाँ जाऊं? या अल्लाह, न कोई यहाँ बस्ती है, न कोई गांव है, सारे मुसलमान हैं, इन हाजू में शरीर कहाँ से आ गए? इन हाजू में शरीर कहाँ से आ गए? और या अल्लाह, आखिर में आपने कहा इन अल्लाह ला यहदिल कौमल काफरीन, मैं अल्लाह काफरों को हिदायत नहीं करूँगा। या अल्लाह, शरीर था, हाँ हो सकता है, लेकिन ये काफिर कैसे? ये तो सारे हाजी हैं, नमाजी हैं, सहाबी हैं, इनमें शरीर कैसे आ गए, काफिर कैसे आ गए? अब मेरे दोस्तों, न कुरान में नाम है, न मुझे पता है, और हाजी भी कम नहीं थे, कम अज कम 80,000 थे या 1,20,000 थे, अब कोई कम तो नहीं है। मुझे, मैं माफ़ी चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से, मुसलमान भाई देखो, 1,20,000 सहाबी तो सिर्फ गदीर में थे, तो आप सबके दिन मनाओ ना। ये है ना भाई, भाई क्यों 3-4 के मनाते हो, औरों को क्यों नहीं मना, औरों के आयाम क्यों नहीं मनाते, क्यों नहीं मनाते? वो नाराज नहीं होंगे, वो नाराज नहीं होंगे भाई। हमें देखो, हम 14 के मानने वाले 14 के दिन मनाते हैं। समझ में आ गई बात? तो भाई सिर्फ गदीर में इतने सहाबी थे, तो ये आप नाराज हम पर क्यों होते हैं? सबके दिन मनाओ, क्यों और नाराज नहीं होंगे? बस हम 14 के मानने वाले हैं, हम 14 के दिन मनाते हैं, विलादत भी मनाते हैं, शहादत भी मनाते हैं। अरे जब इब्तदाई का ही पता नहीं तो इंतहा का बसा के दे पड़ेगा। नारे हैदरी, इब्तदा का पता तो हो ना, जब इब्तदा का ही पता नहीं, जब इब्तदा का ही पता नहीं है तो इंतहा का कैसे पता चलेगा? तो आप हमें सिखाएं, हमें सिखाएं, हमें सिखाएं, हम मानने के लिए तैयार हैं, हमें सिखाओ। घबराते क्यों हो? हमारे करीब आओ, हमारे करीब आओ। मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों कि इतनी शिद्दत है कलाम में कि पहुंचाना भी अभी है, और अगर ने आपने अमली तौर पर नहीं पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, खुदा की कसम, ये अल्लाह का कलाम है, वरना अगर कोई किताब होता तो मैं न मानता। या अल्लाह, तू वही अल्लाह, जहां रसूल गुजरता है उन गलियों की कसम खाता है, कभी उनके बालों का कसम खाता है, कभी उनकी जिंदगी का कसम खाता है, और आज इतना जलाल आ गया है कि एक तो पुकारा भी या अय्युहर रसूल कहकर, और फिर कहा कि अगर आपने ये अमली तौर पर अभी अभी नहीं पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। अब मैं, मेरे दोस्तों, एक किताब तो नहीं, 76 यानी 76 तफासीर तो मैंने पढ़े हैं मुसलमानों के, जो मेरे घर में मौजूद हैं, मैं वो दिखाने के लिए तैयार हूँ। 76 तफासीर, तारीखों तक का तो कोई तादाद ही नहीं है, लेकिन सिर्फ 76 तफासीर में ये है क
कि रसूल ने बस ये आयत नाजुल हुई, जो पीछे सहाबी थे उनको आगे बुलाया और जो आगे चले गए थे उनको पीछे बुलाया और मिंबर बनाया, अपने हाथों से पलानों का मिंबर बनाया और पलानों का मिंबर बनाया मिंबर पर बैठकर अली को बुलाया। मेरे दोस्तों, आज कायनात का ये पहला मिंबर था, कायनात का ये पहला मिंबर था जिस पर बयक वक्त दो खतीब मौजूद थे। कायनात का ये पहला मिंबर था जिस पर बयक वक्त दो खतीब मौजूद थे। मेरे नौजवानों, घबराए नहीं, अल्लाह की अजमत की कसम खा रहा हूँ कि आज जितने सहाबी थे और हाजी थे उनकी नज़रें रसूल पर नहीं थी, अली पर। अजीब मंदर था ना, ये आज कैसे आ गया? जिन्होंने सारी जिंदगी रसूल को मिंबर पर देखा था, आज तो एक नई बात हो गई, ये अली कैसे बैठ गया, ये अली कैसे बैठ गया। रसूल ने तमाम सहाबे कराम को देखा और सबसे पहले कहा, अपनी पगड़ियां उतारो। ये जो तुम्हारे सरों के ऊपर पगड़ियां हैं, ये पगड़ियां उतारो। सब ने पगड़ियां उतारी। फिर कहा, देखो ये जो जूतियां हैं तुम्हारे पाँव में, ये उतारो। सब ने जूतियां उतारी। फिर कहा, देखो ये जो छोटे छोटे दरख्त हैं इनको काट दो। सब हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह, आपने हमें हमारी इज्जत उतरवाई। अरे भाई, पग से ज्यादा तो कोई इज्जत नहीं है ना, वो उतरवाई को उतारो क्यों? कहा, पैगाम ऐसा है अगर ये पगड़ियां तुम्हारे सर पर होती और मैं ऐलान करता तो कल मुकर जाते, हमने सुना ही नहीं था, हमारे कान बंद थे। नारे हैदरी, हमने सुनाई नहीं था, हमारे सरों के ऊपर पगड़ियां थी, हमने सुनाई नहीं था। और कहा, फिर या रसूल, हमारी जूतियां क्यों उतरवाई? कहा, जूतियां इसलिए उतरवाई कि क्यों जूती में भी आराम मिलता है। कहोगे हमें आराम मिल गया था, हमारी आंख लग गई थी, इसीलिए कहा जूती को उतारो, पांव जले तो गौर से सुनो। और कहा, या रसूलल्लाह, फिर ये जो छोटे छोटे दरख्त थे ये आपने क्यों कटवाए? कहा, इसीलिए अगर ये दरख्त होते तो आए साए में बैठ जाते और ऐलान सुनने के बाद कल मुझे कहते कि हम साए में बैठ गए थे, हमें नींद आ गई थी, इसीलिए मैंने कटवाए कि देखो, गौर से सुनो। हाँ, अभी मैं अपने मकसद पर आ गया हूँ। मैंने कहा, कितनी शिद्दत है, अल्लाह अपने हबीब को कह रहा है अमली तरह पर ऐलान करो, और अगर नहीं किया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया, रिसालत का कोई काम। पता चला तमाम काम थे इस ऐलान में, अगर ऐलान कबूल तो ऐमाल भी कबूल, और अगर किसी को ऐलान कबूल नहीं तो सारे ऐमाल रद्द, सारे ऐमाल बेकार। और रसूल को ऐलान करना था, ऐलान करता मेरी जिंदगी रही, मैं आपसे वायदा करता हूँ इंशाल्लाह आइंदा साल ये 3 घंटे का खुतबा है और 3 घंटे का खुतबा सुनाऊंगा आपको मैं।
मैंने अर्ज किया, मेरे दोस्तों 3 घंटे का खुतबा है। ये नहीं कि मेंबर बनाकर ऐसे ही चले गए थे, 3 घंटे का खुतबा दिया, 3 घंटे का खुतबा दिया, और एक मर्तबा रसूल को आगे किया, अली को आगे किया, मुंह किया सहाबियों की तरफ। रसूल को अल्लाह के तो अल्फाज याद थे ना कि कितनी शिद्दत है अल्फाजों में, कितनी शिद्दत है अल्फाजों में। कहा आज अल्लाह ने मुझे कहा है कि अगर आपने ये अमली तौर पर नहीं किया तो रसालत का कोई काम नहीं किया। तो अली को आगे किया, मुंह किया सहाबियों की तरफ, दोनों हाथों दोनों बगलों में से हाथ दिए, बुलंद किया, बुलंद कहकर एक जुमला कहा, आपने बारहा सुना होगा, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, सुनो मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला हो, जिस जिस का मैं मौला उस का ये अली मौला, जिस जिस का मैं मौला उस का ये अली मौला। ऐलान खत्म हो जाता, यही अल्लाह ने कहा था ना कि ऐलान करो, ऐलान कर दिया। लेकिन रसूल की नजर पर थी अल्फाजों पर कि अल्फाजों में कितनी शिद्दत है, बस ये कह कर और कहा, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला हो, जिस जिस का मैं मौला उसका ये अली मौला। उसके बाद फौरन कहा, या अल्लाह तूने मुझे भी कहा है ना तो मुझे भी कहने दो, या अल्लाह अगर आपने मुझे कहा है तो फिर आप भी सुने। अल्लाहुम्मा वाल मन वाला, या अल्लाह मोहब्बत कर उसी से जो अली से मोहब्बत करे। बड़ा जुमला मैंने कह दिया, नौजवानों जुमला मैंने बड़ा कहा है, या अल्लाह आपने मुझे कहा है तो फिर मेरी भी सुन। अल्लाहुम्मा वाल मन वाला, या अल्लाह मोहब्बत कर उसी से जो अली से मोहब्बत करे। वा आद मन आदा, और दुश्मनी कर उसी से जो अली से दुश्मनी करे। अरे हम किसी को अली का दुश्मन नहीं समझते, हम किसी को अली का दुश्मन नहीं समझते। गरेबान में झांक कर देखो कि रसूल ने फरमाया था, अल्लाहुम आत्मन आदा, या अल्लाह दुश्मनी कर उसी से जो अली से दुश्मनी करे। बस जो अली का दुश्मन है समझना कि अल्लाह उसी का दुश्मन है, जो अली का दुश्मन है। मैं अभी करीब आकर बात करना चाहता हूं, घबराए नहीं, मैं आपके करीब आकर बात करना चाहता हूं। ऐलान खत्म, किबला बात तो खत्म हो गई थी, बात तो खत्म हो गई थी, लेकिन नहीं। अगर ग्रामर के एतबार से देखा जाए तो तर्जमा और भी है। क्या तर्जमा हो सकता है? मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिस का मैं मौला उस का ये अली मौला। या ग्रामर के एतबार से तर्जमा ये होगा, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, मैं रसूल उसी का मौला हूं जो अली को मौला मानते हैं। मैं रसूल उसी का मौला हूं जो अली को मौला समझता है। आप मुझसे दलील पूछें तो दलील कुरान से दूं, आप मुझसे दलील पूछे मैं दलील कुरान से देता हूं कि तर्जुमा असल में ये है, मैं उसी का मौला हूं
जो अली को मौला मानता है, और अगर अली को मौला नहीं मानता तो फिर मैं भी उसका मौला नहीं, क्योंकि मौला की 14 माने हैं। क्योंकि मेरा मौजू ये नहीं है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। मौला की माने वली भी है, मौला की माने मददगार भी हैं, मौला की माने शफात करने वाले भी हैं, मौला की माने दोस्त भी हैं। ये सही है कि मौला की माने दोस्त भी हैं, लेकिन यहां नहीं बनेगा। क्यों? अगर मौला की माने दोस्त मानोगे तो फिर चारों फिकहों में चार इमाम जो हैं उनका मुत्तफ़िका अलैह कौल है कि अय्यमा इमरातुन नकहत बगैर इज़्ने मौलाहा फनिकाहा बातुल। जो औरत बगैर अपने मौला के इजाजत के सवा निकाह करती है उसका निकाह बातिल है। जो औरत अपने मौला के इज़्न के सिवा निकाह करती है उसका निकाह बातिल है। अब करो मौला की माने दोस्त, कौन सा वो गैरतमंद मुसलमान है जो यहाँ मौला की माने दोस्त करेगा? बस मैंने जुमला कह दिया। यही सबब था कि जब हार्स बिन नौमान फहरी ने रसूल को कहा कि जो आपने कहा हमने माना, लेकिन ये आज आपने क्यों अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह की मर्जी से? कहा मैं तो अल्लाह की मर्जी से कहता हूं। तो कहा या अल्लाह, अगर आपकी मर्जी है तो मेरे ऊपर आसमान से कोई गजब नाजुल कर। पत्थरी आई आसमान से, फिनार हो गया, सारे सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह चल उसकी जाकर नमाज पढ़। बस ये कहना था या आयत नाजुल हुई ला तुसल्ल अला अहद मिनहुम मात अबदा। मेरे हबीब, ये अली का दुश्मन है, आज के बाद अली के दुश्मन की कभी जनाजे की नमाज न पढ़ाना। मैंने बड़ा जुमला कह दिया है, नारा हैदरी। ये नहीं 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 नहीं, पहले पूरी आयत सुनो सूरत तौबा की, तो फिर मैं आगे चलूं। वला तुसल्ल अला अहद मिनहुम मात अबदा। मेरे हबीब, आज के बाद जब कोई अली का दुश्मन मर जाए तो उसके जनाजे की नमाज न पढ़ना। वला तकुम अला कब्र ही, और न उसके कब्र पर जाकर दुआ मांगना। क्योंकि इन्हम कफरू बिल्लाह व रसूल ही व मातू हम फासकून। जो अली को नहीं मानता वो न खुदा को मानता है न रसूल को मानता है, और जब मरता है तो फासिक होकर मरता है। पता यहाँ से ये चला, यहाँ से ये पता चला, या रसूल अल्लाह पढ़ाओ ना नमाज, पढ़ाओ ना नमाज हास बिन नौमान फहरी की। तो शायद रसूल का जवाब आए, अब्दुल हकीम मैंने तो यही कहा था ना कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, मैं तो उसका मौला हूँ जो अली को मौला मानता है। जब ये अली को मौला ही नहीं मानता तो मैं जनाजे नमाज कैसे पढ़ूँ?